ड्रामा कर रहे हैं, एक जगह एक लड़का मिला, मेरी दूसरी मुलाकात ही शायद मेरी उनसे मंगनी पे, ये लव मैरिज, क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्टली प्रपोज किया, घर आ गए, टाइप की हो। ऐसे शामलों की कोई डेटिंग नहीं, लेकिन हुई, कुछ चीजें होनी होती हैं। कि दो शादियां हुई उसको आप ऐसे सुनाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या मुनासिबत है। हमेशा मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स की डिवोर्सेस हुई, तो एक स्टेज पे जब वो मुझसे पूछती थी, मैं कहती यार तुम्हारी नहीं बनती, ठीक है बाप अच्छा है, बाप अच्छा है, कहती थी गुजार। जब मेरी दोस्त ने कहा ना अच्छा बाप नहीं है, वहाँ मैंने कहा, जब मैं दुबई गई हूँ मैंने बकायदा फर्स्ट टाइम लाइफ में आप कह सकते हैं गुर्बत देखी है। अब्बा ने कहा जो चीज करनी है उसमें बेस्ट होना है। शादी आए हाय छोड़ें बोरिंग बातें चल रही हैं। क्यों मामा छोटा सा जिक्र, वहीं से तो उससे बच्चे भी होते हैं माशा, उधर से तो लाइफ खराब हुई, इससे पहले वाली बहुत मजे की। लेकिन ये इट मेक्स अच्छा, तो शादी आपकी पहली जो शादी है वो क्या अरेंज थी? नो इट वाज अ लव मैरिज। लव मैरिज का मतलब ये कि आपने इसके बावजूद कितने कंजर्वेटिव फैमिली, पता लेकिन वो अब्बा से कोई डर वर नहीं लगा उस वक्त? याद नहीं आया तुम्हें कि तुम्हारे अब्बा ने कहा था कि बेटा सब कुछ कर लो, लड़का हम चुनेंगे? मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं बताऊं डेफिनेशन ऑफ लव मैरिज 99 की, तो आप लोग हंसेंगे। क्या बात कर रही हो यार, कि जी ड्रामा कर रहे हैं, एक जगह एक लड़का मिला, मेरी दूसरी मुलाकात ही शायद मेरी उनसे मंगनी पे, ये लव मैरिज थी बस, क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्टली प्रपोज किया, घर आ गए। ऐसे शामलों की कोई डेटिंग नहीं, लेकिन कुछ चीजें होनी होती हैं नादिया, ये भी बात मानो। अरे अगर वो ना होता मैं आज नादिया खान नहीं, ये बात कुछ इंसिडेंट्स आपको मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था, बहुत बस जरूरी था कि हम दोनों तवाफ आरजू करते। जी जी बस, कुछ दो लोग एक दूसरे के लिए ठीक नहीं होते, किसी और के लिए बने होते। फाइन, इट्स अ गुड थिंग। सिविलाइजेशन और सिविलिटी इसी का नाम है। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसको सारी जिंदगी आप रखें जी। और गलती और उसमें किसी के बाप को भी नहीं पता होता जब वो कर रहा होता है किसी इमोशन में। लेकिन हमारे लोग ऐसे हैं सादिक सर के 100 अफेयर माफ कर देते हैं, एक शादी को नहीं भूलते, एक शादी को नहीं माफ। वो इसकी वजह हमारी ट्रेडिशनल सोच है, जिसने 100 चक्कर चलाए हो, जना किया, उसको कहते हैं इट्स ओके, उसका पता ही नहीं क्योंकि वो इट्स नॉट इन द बुक्स। जिसने शादी किया तो क्या क्या उसको बोलेंगे, जिसकी दो शादियां हुई उसको आप ऐसे सुनाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या मुनासिबत है ना नादिया, उसकी वजह शायद ये है। मैं आपको बताऊं, मैं हालांकि गलत हूं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जब बच्चों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो क्योंकि पूरा इंसान आपने उस बंधन के थ्रू हासिल किया होता है, उसकी फिर फ्यूचर की बात आ जाती है ना, उस बच्चे की साइकी की बात आ जाती है। वो बेहतर होता है उन बच्चों के लिए जब वो माँ बाप को लड़ते हुए तकलीफ में देखते हैं। अच्छा मैंने हमेशा मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स की डिवोर्सेज हुई, तो एक स्टेज पे जब वो मुझसे पूछती थी, मैं कहती थी यार तुम्हारी नहीं बनती, ठीक है बाप अच्छा है, बाप अच्छा, कहती थी गुजार। जब मेरी दोस्त ने कहा ना अच्छा बाप नहीं है, वहाँ मैंने कहा सही बात छोड़। नहीं, किसी किस्म की अजियत में रहना अगर आप निकल सकते हो तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे अगर आपको मुस्तकिल एक लड़ाई मार कुटाई 24 घंटे एक हजार बच्चा तो पागल हो जी, जाएगा जी, बिल्कुल। तो वो और आप ऐसे, ऐसे माहौल में तो नहीं रहे, मैरिज हो और आप एक दूसरे को, उसकी तो वजह शायद एक वजह शायद तो यही हो सकती है कि वो अभिमान में, ये बड़ा किस्सा है कि खातून ज्यादा मशहूर हो मर्द से तो बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो यही तो प्रॉब्लम हुआ वो। नहीं नहीं, हम लोग बस कभी नेचर ही दो बड़े अच्छे लोग लेकिन मिजाज नहीं मिले कभी भी, और वेरी डिफरेंट एंड वेरी। हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? माशाल्लाह माशाल्लाह दो बहुत ही प्यारे बच्चे, मेरी अलीजे अजान मेरे गिफ्ट हैं जिंदगी में, एंड देन इससे बड़ा तो कोई खजाना नहीं होता, औलाद से बड़ा कोई खजाना नहीं है यार। ये तो बस देखिए ना, वक्त तो गुजर रहा है, लेकिन आपका एक टाइम पे शादी हो के बच्चे होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों के बगैर लाइफ फॉर अ पर्सन लाइक मी इज वेरी हार्ड। आई कैन सी इट, मैंने देखा कि बहुत बहुत दफा लाइफ में ऐसे मौका आया कि मुझे लगा कि मेरे जीने के लिए वजह सिर्फ मेरे अब्बा मेरे बच्चे, उन्होंने ही मुझे फिर जो मैं बिल्कुल ऐसे हुई थी तो उन्होंने मुझे ऐसे। हालांकि एक तरफ देखें तो आपकी जो शोहरत उस वक्त थी है अभी भी, वो तो फिनोमिनल है यार, उसका उसमें तो आदमी सिवाय कुछ ही कुछ करता नहीं, लेकिन ये जो पर्सनल ट्रेजेडीज है उसके साथ साथ चलती रही। उफ, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने
जब मैं दुबई गई हूँ, मैंने बाकायदा फर्स्ट टाइम लाइफ में आप कह सकते हैं गुर्बत देखी है, पैसे, तंगी, चीज़ें मैनेज करना, अग्रेसिवनेस, वायलेंस, चीज़ें, इमोशनल टॉर्चर, अब्यूज, बहुत कुछ बहुत जल्दी बड़ी, उससे पहले बेबी थी मुझे लगता है, बहुत सिक्योर अब्बा ने शेल्टर। अब ये अमिकेबल है आपकी अब डिवोर्स या इसमें बड़ी सैडनेस शामिल हुई, झगड़े हुए, ये बस हुआ? बहुत लंबा, देखिए बात वही है कि लोग कहते हैं कि अगर आपकी बनी नहीं डे वन से तो पहले क्यों नहीं छोड़ दिया। मैं कहती हूँ भाई छोड़ना तो आसान होता है, क्रेडिट दें कि इतना अच्छा ट्राई किया दोनों ने। तुम किन लोगों से बात करती हो नानी, कौन लोग हैं ये? बात क्या है, ऑर्थोडॉक्स, मैं अ पार्ट ऑफ मी इज वेरी ओल्ड फैशन, मैं जितना भी मैं मतलब काम किया एक्सपोजर है, अ पार्ट ऑफ मी इज सो कंजर्वेटिव क्योंकि मैं उसमें पली बड़ी, उसमें पैदा हुई हूँ, मैं नहीं निकल सकी आज तक, इसीलिए 10 साल गुजार दिए। जान के नहीं निकल सकी क्योंकि आप पसंद करती हैं। 10 मिनट में पता चल गया था ये शादी गलत हो गई, 10 साल लगे। क्या बात कर रही हो, 10 साल फिर भी निकाले क्योंकि मेरे अंदर से वो चीज नहीं निकलती थी कि नहीं भाई तलाक ये वो, नहीं जान मारती नहीं। ये जुमले में भी तुमने बहुत जल्दी में, जो तुम तेज बोलती हो माशाल्लाह, अलग अलग करते हुए एक जुमला तुमने कहा है, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। पहले 10 मिनट में कैसे पता चल गया? बस पता चल गया अब ये करने की, क्योंकि किसी के और की भी प्राइवेसी है, क्या बात है, बस पता चल गया और ये इसके फ्रेंड्स गवाह हैं, 10 मिनट में पता चला कि नहीं यार गलत मिजाज नहीं मिलते, उसके साथ भी जाती है, मेरे साथ भी जाती है, गलत हो गया, गलत हो गया। कितने अरसे रहा बचपन में बस फिर 10, लेकिन वही बात है कि आप पसंद, अच्छा जिद है ना मेरे अंदर कि मैंने कहा काम किया निभाओ, अब तो ऐसी अब ये मेरी सजा है या जो भी है निभाऊंगी, लेके चलूंगी और उसमें 10 साल जान मार दी, मैं कहती हूँ ताकि कोई रिग्रेट ना हो कि यार नहीं ट्राई किया, टू किड्स लेटर कोई चेंज नहीं आया किसी किस्म का, खराब से खराब तो होता गया, बस अल्लाह ने आजमाया, अल्लाह ने। इस दौरान आपकी वालदा का क्या रोल रहा? मम्मी मुझे सबसे तकलीफ दे चीज यही लगी कि दूर हो गए मम्मी डैडी, और मैं हर 3 महीने अब्बा को कहा, अब्बा ने कहा था हर 3 महीने बाद नहीं, बट वुड यू टेल आप अपनी, नहीं मैंने कभी नहीं मम्मी अब्बा को बताया, मैंने कभी नहीं बताया कि आई एम अनहैप्पी, कभी नहीं बताया, ये दुख होगा उन्हें बहुत ज्यादा, है ना। और दूसरा क्योंकि तुमने मेरी चॉइस थी, मैंने कहा था कि नहीं ठीक होगा सही है, फिर उसको भी तो लेके चलना था ना। बिल्कुल ऐसे ही देखें कैसी बड़ी बारी हमारी नादिया आज, मैं बड़ा इस मामले में इनका शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल ट्रूथफुल है, और हम में और इनकी जनरेशन में ये फर्क है, हम मुनाफिक हैं, मैं कम अज कम अपने हद तक ये आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि बड़ी मुनाफिकतें की हैं हमने। सर नहीं मैं अभी बोलने लगी हूँ, मैं नहीं बोलती थी, मैंने भी इससे पहले बहुत झूठ बोले हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़बरदस्त चल रही है लाइफ, अरे एंड बस आइडियल लाइफ, ऐसा नहीं था। अब मैं बोलने लगी हूँ क्यों, क्योंकि मीडिया खुल गया है, लोग समझदार हो गए, लोग सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं, और मुझे एक तो मेरी ये फेलो कोलीग्स से बहुत, जिन्होंने पीपल लाइक नादिया जमील और इन लोगों ने इतने आके खुल के बातें की है कि मुझे भी उससे हौसला मिला, और उससे बढ़ के जो मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फैक्टर है फैसल, मुझे डर नहीं लगता, मुझे पता है कि मैं कुछ कहूँगी तो फैसल शाबाश कहेंगे। नहीं कोई रीजनेबल बात हो तो क्यों किसी को कोई झगड़ा, नहीं हम तो रीजनेबल बात भी नहीं कर सकते थे, डर लगता था, तो मैं तो बहुत डर के गुजारा है, रीजनेबल बात तो करनी चाहिए वरना फिर लोग आपको बेवकूफ समझेंगे ना। लेकिन अबाउट ये इस तरह अपनी गलतियाँ, शादी, चीजें, अपनी लाइफ, लेकिन ये अच्छा है ना कि आप अगर बोलती हैं तो करोड़ों और लोग जो आपको देखते हैं, आपके चाहने वाले, उससे कोई पॉजिटिव चीज निकाले तो बड़ी अच्छी बात है। ये बात बस मुझे लगता आप अपनी कहानियां सुनाते ही इसी वजह से लोग किसी का भला हो कि मेरे साथ ये हुआ तो तेरे साथ ऐसा ना हो।